तो गाइस आप लोगों ने अभी तक गिल्ड ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो सर। अब 25 बंदे बस की जगह बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट भर चुकी है। ठीक है, तो इस वीडियो को जाके देख लो पूरा, इस वीडियो पर सभी कुछ मैंने बताया है और इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करना। ठीक है, इस वीडियो को पहले देख लेना। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो पर मैं आप लोग को फिर से देने वाला हूँ न्यू अपडेटेड वाला कॉन्फिग फाइल, जिससे आप लोग का फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलेगा। उससे आप लोग का फ्री फायर का लैग प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। तो इस वीडियो पर जो मैं आप लोग को फाइल देने वाला हूँ काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। इस बार फाइल सेट करने का प्रोसेस भी अलग है, लेकिन डाउनलोड करने का सेम ही प्रोसेस होने वाला है। तो आप लोग को फाइल को कैसे डाउनलोड करना है उसका वीडियो का लिंक मिलेगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन पर, तो उस वीडियो को देख के आप लोग फाइल को इजिली डाउनलोड कर लेना। तो मैं आप लोग को बता दू ये फाइल होने वाला है आप लोग के सभी मोड के लिए। आप लोग कस्टम खेलो या CS रैंक पुश करो या फिर BR रैंक पुश करो, आप लोग के सभी मोड पर आप लोग का गेम है जो काफी मस्त चलेगा, काफी ज्यादा लैग प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। ठीक है, अगर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता जरा भी तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है ना, 500 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट करा देना नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस मैंने आप लोग को बता दिया फाइल को कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है ना, लिंक आप लोग जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, वहाँ आप लोग को फ्री फायर के लिए भी मिल जाएगा और फ्री फायर मैक्स के लिए भी। तो आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना। अब डाउनलोड कर लेने के बाद अब बात आती है कि आप लोग को फाइल को अप्लाई कैसे करना अपने डिवाइस पर, आप लोग को फाइल को सेट कैसे करना। बहुत ही पूछेंगे कमेंट पर कि ये एंटी बैन है क्या। नहीं, तो मैं बता दूं मेरी फाइल हमेशा से एंटी बैन ही रहती है और आज भी एंटी बैन और हमेशा रहेगी। आप लोग के आईडी को कोई भी खतरा नहीं है, ठीक है, एकदम टेंशन मत लेना। तो फाइल को सेट करने के लिए आप लोग को करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर से ZR Keeper ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद आप लोग ओपन कर लेना। ओपन जैसे ही कर लोगे तो आप लोग को चले जाना डाउनलोड पर, जहाँ आपने डाउनलोड किया है फाइल को। ठीक है, मैं आ गया इस फोल्डर पर, ये रही फाइल। ठीक है, लैग फिक्स ऑल डिवाइस कॉन्फिग, ठीक है, मतलब सभी डिवाइस के लिए भी है ये फाइल। करने क्या है, फाइल के ऊपर टैप करना, एक्सट्रैक्ट हेयर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से आप लोग को एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। एक्सट्रैक्ट हेयर होने के बाद आप लोग को यहाँ मिल जाएगा एक फ्री फायर के लिए फोल्डर और एक फ्री फायर मैक्स के लिए। तो आप लोग भी जिसकी फाइल लगाना चाहते आप लोग उसी का फोल्डर ओपन करना। यहाँ से मैं फ्री फायर मैक्स का फोल्डर ओपन कर लिया। अभी यहाँ पास देखो, यहाँ पास आ गया 1 से लेकर 4 GB रैम तक के फोल्डर। तो आपका जो भी रैम का डिवाइस है आप लोग चेक कर लेना अपने वाउ फोन पर जाके, तो उसी की फाइल आप लोग लगाना। ठीक है, तो यहाँ पास मेरा 4 GB रैम का डिवाइस, मैं इसको ओपन कर लिया। फिर ये वाला आप लोग को एक फोल्डर देखने को मिलेगा। करना क्या है, इस फोल्डर को लॉन्ग प्रेस करना और यहाँ से लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप लोग यहाँ से कर लेना कॉपी। कॉपी हो जाने के बाद आप लोग को ऊपर क्लिक करना, आप लोग को मिलेगा डिवाइस स्टोरेज, इस पर आ जाना। इस पर आ जाने के बाद आप लोग को मिलेगा एंड्रॉइड, उसके डेटा ओपन कर लेना। उसके बाद आप लोग को नीचे आना, आप लोग को ये फ्री फायर का फोल्डर देखने को मिलेगा, इसको ओपन कर लेना। ये ओपन हो जाने के बाद आप लोग को फाइल्स फोल्डर ओपन मिलेगा। यहाँ पास आने के बाद आप लोग को सिंपल नीचे एक पेस्ट का बटन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पास मैंने फाइल को पेस्ट कर दिया, आप लोग भी पेस्ट कर देना। बस इतना कर देने के बाद आप लोग का फ्री फायर का लैग प्रॉब्लम है एकदम फिक्स हो जाएगा। और आप लोग को ये ध्यान से अपने फोन को एक बार स्विच ऑफ करके दोबारा से स्टार्ट कर लेना, जिससे आप लोग के डिवाइस पर फाइल सेट अच्छे से हो। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। चलिए वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।